अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बीफ टिक्का मैक्रोनी। ये मैक्रोनी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजीली बन जाती है। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो हम देख लेते हैं। एक बाउल लेंगे हम बॉयल मैक्रोनी, एक कप बीफ, 2 टीस्पून लेंगे सोया सॉस, 2 टीस्पून विनीगर, 1 कटी हुई प्याज, 2 टीस्पून लेंगे हम चिली सॉस, 1 स्पून हम लेंगे ज़ीरा, 2 टीस्पून टिक्का मसाला, नमक हसबे ज़रूरत, गार्लिक का पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हम ब्लैक पेपर लेंगे और ऑयल लेंगे 3 टीस्पून। एक पैन में हम ऑयल डालेंगे, इसे गरम करके उसमें गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, थोड़ा मिक्स करेंगे। इसमें अब डाल देंगे बीफ और थोड़ा सा पानी डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, आप नमक ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। देखिए अब हम इसमें डालेंगे पानी और बीफ को पका लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, टिक्का मसाला और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भून गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये बन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें उबली हुई मैक्रोनी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैक्रोनी और तमाम चीज़ें पहले से ही पकी हुई हैं इसलिए इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी, इसे एक प्लेट में डाल लेंगे। मैंने ये मैक्रोनी बीफ के साथ बनाई है, आप चाहें तो इसे चिकन के साथ भी बना सकते हैं और इसी तरीके से बना लें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।